Last year, Bengaluru FC finished at the 10th position in the ISL table with 6 wins, 6 draws and 10 losses. But this season, they are the table toppers with the unbeaten streak. So, hi, I am your host Ankan, and let's know what are the reasons behind Bengaluru FC's this success story. So, let's dive into the video. So first reason behind Bengaluru FC's this success is defensive improvement. If we see in the last season, Bengaluru FC have only 5 clean sheets in 22 ISL matches. And in these 22 matches, they conceded 34 goals and 6 penalties. And this season, if we talk about this, Bengaluru FC is still unbeaten. And with this, they maintain their 4 match clean sheet. एंड अगर हम और ज्यादा डिटेल्स में जाए डिफेंसिव स्टैट्स में तो अभी तक एकदम गोल लाइन सेव्स या फिर लास्ट मैन डिफेंस अभी तक जीरो है बेंगलुरु एफसी के लिए एंड पेनल्टी कॉन्सीड भी अभी तक जीरो है और इसी के साथ बॉल रिकवरी इंटरसेप्शन एंड क्लियरेंस मच बेटर है लास्ट सीजन से. We see overall Bengaluru FC's defensive stats. So 12 tackles per game, 7.5 interception per game, 18.3 clearance per game and 46 ball recovery per game, जो कि काफी better है बाकी टीमों से. एंड डिफेंस में ये इस इम्प्रूवमेंट के पीछे क्रेडिट जाता कि निखिल पुजारी, न्यू साइनिंग राहुल वेके, रोशन सिंह एंड जो वैनोविक को एंड इसी के साथ गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू. अब आते हैं सेकेंड बिग रीजन के फॉरेन साइनिंग्स. अगर हम लास्ट ईयर पे नजर दें तो लास्ट ईयर के जो बेंगलुरु एफसी के फॉरेनर्स थे उनके फेलियर वन ऑफ द रीजन था बेंगलुरु एफसी के लिए लास्ट सीजन की बैड परफॉर्मेंस के पीछे. एंड लास्ट ईयर के फॉरेनर्स में से जावी हर्नांडेज एंड जो वानोबिक जैसे कुछ ही फॉरेनर्स अच्छे फॉर्म में नजर आए थे. बट इस सीजन अगर हम देखेंगे तो बेंगलुरु एफसी ने न्यू साइनिंग पेरेरा दियास, अल्बर्टो नोगुएरा, एडगर मेंडेज एंड पेड्रो कपे की साइनिंग्स बेंगलुरु एफसी को रिजल्ट दे रहा है. एंड इनमें से अल्बर्टो नोगुएरा एंड पेरेरा दियास इन दोनों के पास ऑलरेडी आईएसएल की एक्सपीरियंस था एंड वो बेंगलुरु एफसी के लिए काम कर रहा है, जहां अल्बर्टो नोगुएरा विद पेड्रो कापे मिडफील्ड में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड ऑन द अदर साइड पेरेरा दियास एंड एडगर मेंडेस विद सुनील छेत्री एक अच्छी अटैकिंग लाइन बिल्डअप करने में बेंगलुरु एफसी को हेल्प कर रहा है. एंड इसके रीजन से लास्ट सीजन से अगर आप कंपेयर करोगे तो इस सीजन बेंगलुरु एफसी के अटैकिंग लाइनअप वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग लाइनअप है आईएसएल टीमों के अंदर. थर्ड एंड लास्ट रीजन है एक्सपीरियंस प्लेयर. एंड बेंगलुरु एफसी की इस अनबीटन रन एंड इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे सुनील छेत्री एंड गुरप्रीत सिंह संधू की फॉर्म भी वन ऑफ द रीजन है. इन दोनों की जो फॉर्म फिलहाल इस सीजन में है वो भी बेंगलुरु एफसी को एक हेल्प कर. इफ वी सी सुनील छेत्री स्टैट्स फॉर दिस सीजन, ही स्कोर्ड 6 गोल एंड 3 असिस्ट इन बेंगलुरु एफसी's जर्सी. एंड मोस्ट शॉकिंग, आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, ही इज करेंटली द टॉप इंडियन गोल स्कोरर फॉर दिस सीजन. एंड ऑन द अदर हैंड, अगर हम गुरप्रीत सिंह संधू की स्टैट्स देखने जाएंगे तो उनका भी काफी अच्छा रहा इस सीजन. 4 मैचेस में 4 क्लीन शीट एंड जस्ट 43 टचेस इन 4 ISL मैचेस, जो कि काफी अच्छा स्टैट्स है एक गोलकीपर के लिए. एंड इसी के साथ अगर हम इस सीजन की बेंगलुरु एफसी की लाइनअप को देखेंगे तो हम देखेंगे कि इस सीजन बेंगलुरु एफसी की लाइनअप में एक से एक एक्सपीरियंस प्लेयर है जो कि बेंगलुरु एफसी को हेल्प कर रहा है. डिफेंस में राहुल वेके, निखिल पुजारी, रोशन सिंह, गुरप्रीत सिंह संधू हो, मिडफील्ड में अल्बर्टो नोगुएरा एंड अटैक में सुनील छेत्री, इन प्लेयर्स की एक्सपीरियंस भी एक रीजन है बेंगलुरु एफसी की इस सक्सेस के पीछे. सो ये थे कुछ पॉइंट्स बेंगलुरु एफसी की इस सक्सेस के पीछे. एंड अगर आपको लगता है कि इन पॉइंट्स को छोड़ के और भी कुछ पॉइंट्स है बेंगलुरु एफसी की सक्सेस के पीछे तो वो भी जरूर कमेंट में लिख के बताइए. एंड वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. एंड नीचे इंडियन फुटबॉल रिलेटेड आपको और भी कई सारे वीडियोस नजर आ रहा होगा, उन वीडियोस को भी चेकआउट कर लीजिए. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय.